Hi everyone, today's lesson is The Little Fir Tree. Setti the magician was returning home when all of a sudden it began to rain. Setti jadugar ghar lot raha tha, tabhi achanak barish shuru ho gayi. It rained heavily. वर्षा खूब तेज हुई. Shetty looked around for shelter and saw a pretty little fir tree. Shetty शरण पाने के लिए इधर उधर देखा और उसे प्यारा छोटा सा देवदार का वृक्ष दिख गया. He ran towards it as fast as he कुड. वह उसकी तरफ जितनी तेजी से हो सकता था दौड़ गया. Soon the rain stopped. शीघ्र ही बारिश रुक गई. Setti was happy that he did not get wet. Setti खुश था कि वह गीला नहीं हुआ. Thank you. You have been kind to me. धन्यवाद, तुम मेरे प्रति दयालु हो. I would like to reward you. Ask for your wishes and I will grant them, said the magician. मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहूंगा, चार वर मांगो मुझसे और मैं उन्हें प्रदान करूंगा, जादूगर ने वो लिटिल फर ट्री से कहा. The sad fir tree had leaves like needle and no words ever made their nests on it. उस देवदार के वृक्ष की पत्तियां नुकीली थीं और कोई भी पक्षी वहां पर अपना घोंसला कभी नहीं बनाता था. So it said, I wish I had green leaves like My other friends. इसलिए उसने कहा, मेरी इच्छा है कि मेरी सारी पत्तियां अन्य वृक्षों की भांति हरी हो जाएं, है ना? Next morning, its wish was granted. अगली सुबह उसकी इच्छा पूरी हो गई थी. Soon a goat came along and ate all the green leaves. शीघ्र ही एक बकरी वहां आई और सभी हरी पत्तियां खा गई. Oh dear, said the fir tree. ओ प्यारे देवदार के वृक्ष ने कहा, I wish I had gold leaves as goats do not eat gold leaves. मैं चाहता हूं कि मेरी सारी पत्तियां सोने की हो जाएं, क्योंकि बकरियां सोने की पत्तियां नहीं खाती. When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. अगली सुबह जब देवदार का वृक्ष जागा तो उसने सोने की पत्तियां देखकर हैरान रह गया. वाह, हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड. ओहो, मैं कितना खुश हूं. मैं अ मैन केम अलोंग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स. एक आदमी वहां आया और सोने की पत्तियां चुरा ले गया. I wish I had glass leaves instead. मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्तियाँ कांच की हो जातीं. I wish I had glass leaves instead. Men do not steal glass leaves.
आदमी कांच की पत्तियां नहीं चुराते हैं। द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीप्स शोन इन द ब्राइट सन। अगली सुबह को उसकी कांच की पत्तियां खिली धूप में खूब चमक रही थीं। हाउ हैप्पी आई एम इट सेड एट नाइट द विंड ब्लू ऑल द ग्लास लीप्स ब्रोक। रात के समय हू करके हवा चली, सभी कांच की पत्तियां टूट गईं। ओ डियर सेड द फर ट्री। ओ प्यारे देवदार के वृक्ष ने कहा, I like my own needle-like leaves best for goats do not eat them। मेरी प्यारी बही पुरानी नुकीली पत्तियां सबसे अच्छी हैं। No man can steal them, क्योंकि बकरियां उन्हें खाती नहीं हैं, कोई आदमी उन्हें चुराता नहीं है, चुरा नहीं सकता। No man can steal them, the wind will do them no harm, और हवा उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। द ट्री वेंट टू स्लीप, पेड़ सोने चला गया। व्हेन इट वेक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग इट हैड ऑल इट्स नीडल्स बैक अगेन। अगली सुबह जब वह जागा तो उसकी सारी पत्तियां फिर से नुकीली हो गई थीं। ओह आई नेवर वॉज सो हैप्पी, ओह मैं इतना खुश कभी नहीं था, सेड द लिटिल फर ट्री, और उस छोटे से देवदार के वृक्ष ने कहा कि इससे पहले मैं इतना खुश कभी नहीं था। तो दिस वॉज द लेसन फॉर यू। न्यू वर्ड्स प्रीटी आपको पहले ही दिखा बता दिया है। प्रीटी मतलब होता है सुंदर प्यारा, नीडल्स मतलब होता है नुकीला, लिप्स मतलब पत्तियाँ, गोल्ड मतलब सोना, स्टोल मतलब जो चुरा ले गया हो, ठीक है ना। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट। हेयर सी ओके रीडिंग इज फन। टिक द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट आंसर। द प्रीटी लिटिल फर ट्री वॉज हैप्पी विथ गोल्ड लीव्स बट। हेयर दे हैव गिवन फॉर यू थ्री ऑप्शंस, यू हैव टू टिक ओनली वन दैट इज करेक्ट। आपको यहाँ पर इसका द लिटिल फर ट्री वॉज हैप्पी विथ गोल्ड लीव्स, जो लिटिल फर ट्री था वो सोने की पत्तियों के साथ खुश था, मगर हुआ क्या, उसमें से आपको एक पे निशान लगाना क्या सही था, क्योंकि उसको वो सैड इसलिए हो गया था क्योंकि वो एक आदमी आया उनकी उसको चुरा के ले गया, अ मैन स्टोल देम, ठीक। दिस वॉज द करेक्ट आंसर। वो पेड़ खुश था लेकिन सोने की पत्तियों के साथ पेड़ खुश था लेकिन एक आदमी आया उसको चुरा ले गया। दिस इज वन टू थ्री, ये तीनों ऑप्शन उसमें नहीं थे। दिस वॉज द करेक्ट। बी द फर ट्री वॉज सैड, फर ट्री दुखी था, क्यों था, बिकॉज इट हैड येलो लीव्स, टू बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स, थ्री बिकॉज इट वॉज वेरी शॉर्ट। तो कौन सा था, बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स, ये वाला आपका करेक्ट आंसर था, ठीक है ना, ये नहीं था। नाउ थर्ड नंबर, द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स, जो फर ट्री था वो सोने की पत्तियों के साथ खुश नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि एक आदमी ने उसको, सीधा आंसर ये हो जाएगा, अ मैन स्टोल देम, ठीक है ना। ओके नाउ कम टू हियर। बर्ड बिल्डिंग, बाय चेंजिंग द circle bird to its opposite rewrite the sentences one has done for you।
तो इसमें जो है ना गोले वाले शब्दों को विपरीत शब्दों में बदल कर इन वाक्यों को फिर से हमको लिखना है। तो ये एक आपके लिए क्या हुआ है, आई कैरी अ राइट बैग टू स्कूल एवरी डे। तो इसका आंसर क्या बन गया है, आई कैरी अ लाइट की जगह इन प्लेस ऑफ लाइट हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे। अब ये हो गया है, हमको यहाँ से करना है रीना वन द रेस, तो हमको इसका अपोजिट बनाना है, वन का अपोजिट करना है, तो वन का हो जाएगा लॉस। तो हम इसको लिख सकते हैं आई लॉस्ट द रेस, कंप्लीट। सी आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स, आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स, तो लव का अपोजिट हो जाएगा हैट, तो हो जाएगा आई हैट ईटिंग वेजिटेबल्स। कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट, दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज फुल, तो हमको इसका अपोजिट बनाना, फुल का क्या हो जाएगा एम्प्टी, तो लिख देंगे दिस ग्लास ऑफ, दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज एम्प्टी, AMPTY। ओके नाउ वाइज, वाइज का होता है फुलिस, द ओल्ड मैन इज वाइज, तो हम लिख देंगे द ओल्ड मैन इज फुलिस। दिस इज कंप्लीटेड। ओके वेरी गुड, नाउ कम टू नेक्स्ट, नाउ गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स बिलो बाई एडिंग अन और इन, आई एम। अब नीचे दिए गए शब्दों में अन या आई एम जोड़कर अपोजिट विपरीत शब्द बनाना है हमें, तो ये बना दिए मैंने, हैप्पी का अनहैप्पी, पोलाइट का इम्पोलाइट, सीन का अनसीन, प्रॉपर का इम्प्रॉपर, लकी अनलकी, पॉसिबल इम्पॉसिबल, इम्पॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट, परफेक्ट इम्परफेक्ट, हेल्दी अनहेल्दी, सेफ अनसेफ, पेशेंस अनपेशेंट, प्योर इम्प्योर। ओके नाउ ये आपको पढ़ना बड़े ध्यान से करना है। अब हमें ये आ गया है यहाँ पे, रीता लव्ड हर डॉग, शेरू एवरी डे, शेरू वुड गो आउट ऑफ द हाउस एंड कम बैक हिमसेल्फ, बट वन डे ही डिड नॉट कम होम, रीता लुक्ड एवरीवेयर फॉर हिम, Tears rolled down her cheeks. Sheru was lost. He was nowhere to be found. Rita was crying when she reached home. She got into her bed. All of a sudden, something jumped on her. Can you guess who it? Who it was? Rita was very happy. Give the opposite word in blue. जो blue में दिया हुआ है उसके हमको opposite लिखना है। चलिए हम let's start करते हैं। तो first one हो गया हमारा loved। तो लव्ड का हो जाएगा हमारा हैटेड, भर रहा हूँ मैं, HATED हैटेड, हैटेड। सेकेंड वन इज गो आउट का हो जाएगा कम इन। थर्ड वन इज कम का हो जाएगा गो। थर्ड वन इज Everywhere, this one. तो everywhere क्या हो जाएगा Nowhere. Next is down.
डाउन को जाएगा अप। नेक्स्ट इज लॉस्ट, लॉस्ट का क्या हो जाएगा फाउंड। फिर नेक्स्ट इज नोवेयर, नोवेयर का अभी हमने भरा था एवरीवेयर, ई वी ई आर वाई एवरी वेयर, एवरीवेयर। देन क्राइम, क्राइम, क्राइम का हो जाएगा लॉफिंग। लॉफिंग देन हैप्पी, हैप्पी का हो जाएगा सैड। एंड वन मोर इज नथिंग इज ओवर। ओके दिस हैज कंप्लीटेड, कम टू द नेक्स्ट। ओके नो rewrite the passage below using capital letters where necessary. Okay, I have written here. Now go through the on जो जहाँ पर भी changes किया है मैंने red pen से यहाँ पर pointed कर दिया, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये इसमें भी मैंने कर दिया on Saturday afternoon Amarjeet and his little sister Rani went for a picnic to India gate. There they saw ducks, water and their friends Raj. Okay, this has been completed. जहाँ पर जो भी यहाँ पर जिस चीज़ की भी जो कमी थी वो मैंने यहाँ पर कर दिया है रेड पॉइंट से, आप देख लीजिए। Now come here, this one. Oh dear, said the fir tree, I like my own needles like leaves best. For goats don't eat them and no man can steal them. Here also I have done, just go through on my writing. No, I have done this one also. By stopping video you can see this one. Okay. Let's talk. है ना, यहाँ पर जो दिया हुआ है ये क्या दिया है, यहाँ पर हमें जो ये चित्र दिया गया है, लुक एट द पिक्चर बिलो इन द येल्लो बॉक्स, देयर आर एट थिंग्स, यू कैन सी सिक्स ऑफ देम इन द पिक्चर, यू कैन नॉट सी द अदर टू, राइट डाउन द फोर थिंग्स दैट यू कैन सी। यहाँ पर चित्र में आठ चीज़ें दी गई, उनमें से हमको केवल छः चीज़ देख सकते हैं और बाकी दो चीज़ें हम नहीं देख सकते, तो वो कौन कौन सी दो चीज़ें हैं वो आपको देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसमें क्या देख सकते हैं, हम यहाँ पर डक्स, बॉय, वेर इज बॉय, बॉय, गर्ल एंड ट्री, ट्री हम देख सकते हैं, फाउंटेन, फाउंटेन हमारा नहीं दिख रहा हमें, फ्लावर, फ्लावर थोड़े से दिख रहे हैं लेकिन हमको ये जो दो चीज़ें हमको नहीं दिख रही हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, पर यहाँ फ्लावर हमें दिख रहे हैं पर उन्होंने कहा है तो दैट्स वाई नो प्रॉब्लम, यू कैन राइट हेयर, वी कैन राइट हेयर, हेयर डक्स, बॉय, गर्ल एंड ट्री। ओके दिस हैज बीन कंप्लीटेड। Now come to the this point. Look at the picture again. Describe the picture. वो picture को हमको देखना है और उसमें हमको लिखना है। ये देखिए picture को देख लीजिए आप, तो इस picture को हमें देख कर लिखना, मैंने लिख दिया है a boy and a girl have come to a park for a picnic. एक लड़का और लड़की दोनों पिकनिक के लिए आए हैं। दे आर एन्जॉइंग द नेचुरल सीन बाय द साइड ऑफ ए पॉन्ड, टू डक्स आर स्विमिंग इन द वाटर, दो डक्स वाटर में स्विमिंग कर रही हैं, है ना। द गर्ल हैज स्प्रेड अ मैट ऑन
mat on which she was put, lunch box, bananas, ball, etc. लड़की ने चादर को बिछा दिया और उस पर उनके खाने पीने की सामान को रख दिया है. A bird is sitting near the mat. एक चिड़िया पक्षी जो है ना मैट के पास में बैठी हुई है, ये बैठी हुई है. Now the boy is looking at the bird. और ये बच्चा जो है ना इस पक्षी को देख रहा है. Completing. Now this is fun time, है ना? ये आपको देखना है, ये आपको करके देखना है. आप इसको पढ़ लीजिएगा, है ना? This is activity. Aziz loved flower. He always wanted to have a garden for himself. Mohan, his friend, gave him an idea. He said, "Why we can have a garden in a dish?" This, ha ha. Aziz loved a garden in a dish. Yes, this garden are tiny gardens planted in a shallow dish. We must first put sand, manure, and pebbles in a dish. Plant very tiny plants in it and place the dish on the window sill. Okay, this one you have to do. Now come to the point number 2. Glass break easily when it is dropped. कांच आसानी से टूट जाता है जब उसको हम गिराते हैं. Do you think a mud flower pot, a glass spoon, a wooden table, a plastic cup, books or your plastic water bottle can break easily? क्या आप सोचते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि मिट्टी का फूलदान, कांच के चम्मच, लकड़ी की मेज, प्लास्टिक कप, किताब या तुम्हारे प्लास्टिक का वाटर बॉटल आसानी से टूट सकता है, है ना? सर्किल द थिंग्स दैट कैन. उन चीज़ों को सर्किल करिए जो टूट जाती हैं. तो क्या क्या टूट जाती हैं आसानी से? एक हमारा कप टूट जाता है, ये टूट जाता है, इस कांच का है तो टूट जाता है, स्टील का नहीं टूटता, इसको भी लगता है, बॉटल भी टूट जाती है, ये आसानी से नहीं टूटती हैं. चलिए, इट हैज कंप्लीटेड. नाउ कम टू दिस पॉइंट. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड मेक अदर्स हैप्पी और अनहैप्पी. ये दो एक्शन दिए हैं आपको, इन्हें पूरी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं. रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, ये पूरी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं आपको. दे ऑल हैव गिवन हेयर. तो कौन कौन सी यहाँ पे हमको दो बना दिए हमने पार्ट. एक्शन दैट मेक्स पीपल हैप्पी, ऐसा आचरण जो कि लोगों को खुश बनाता है, और ऐसा आचरण जो कि लोगों को दुखी बनाता है. तो ये पूरा मैंने बना दिया है ऐसा. रेस्पेक्टिंग एल्डर्स हैप्पी बनाता है, हैप्पी बनाने वाली चीज़ें. बींग पोलाइट, प्लेइंग विद फ्रेंड्स खुश बनाते हैं भी. विजिटिंग ए सिक फ्रेंड, बीमार दोस्त के घर जाने पर वो खुश होता है. केयरिंग टू पेट्स, है ना, पेट्स जो पालतू पशुओं की देखभाल करने से हैप्पी होते हैं. और बेइंग ऑनेस्ट, ईमानदार होना, है ना. ओके, और जो कि अनहैप्पी बनाते हैं, नॉट सेइंग थैंक यू, धन्यवाद ना देना. नॉट शेयरिंग, वॉचिंग टेलीविज़न ऑल डे, दिन भर टीवी देखते रहना और किसी को ना देखने देना, ये अनहैप्पी बनाता है. टेलिंग लाइज, झूठ बोलना. बेइंग ग्रीडी, है ना, ग्रीडी होना, लालची होना. और गेटिंग एंग्री ईजिली, और जल्दी से गुस्सा हो जाना, ये हमको अनहैप्पी बनाता है. तो ये मैं आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, और आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग एंड लिसनिंग दिस लेसन. थैंक यू सो मच. अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.